ये कहानी शहर से कोसों दूर एक गांव की है जहां बस कुछ आदिवासी ही रहते थे। उस गांव को खाली करवाकर वहां पर एक हाईवे कंस्ट्रक्ट किया जाना था। गांव के आदिवासियों को हटाने के लिए वहां पर एक स्पेशल स्क्वाड भेजी गई, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनके ऊपर क्या मुसीबत मंडरा रही है। उस गांव में एक पहाड़ था जिसका नाम था बेताल पहाड़। कहते हैं उस पहाड़ पर एक काला साया था। उस स्क्वाड ने उस पहाड़ के अंदर घुसने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन आदिवासियों ने उन्हें रोक दिया। उनका मानना था कि बेताल पहाड़ श्रापित है और अगर उस पहाड़ का रास्ता खुल गया तो कयामत आ जाएगी और वो सब लोग मारे जाएंगे। जब हालात बेकाबू होते दिखे तो वहां पर एक बास स्क्वाड यानी उनकी टीम के सबसे जाबाज ऑफिसर सिरोही और उसकी टीम को बुलाया गया। सिरोही उस गांव को जल्दी से खाली कराने के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर्ड होकर आया था। एक रात सिरोही अपनी टीम को लेकर उस पहाड़ की तरफ निकल गया और उसने पहाड़ के अंदर जाने वाली गुफा का दरवाजा तोड़ दिया। शायद यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। उसने देखा कि अंदर चारों तरफ बस लाशें ही लाशें पड़ी थीं। तभी एक डेड बॉडी का हाथ उसकी तरफ बढ़ा, जिसे देखकर सिरोही की तबीयत अचानक खराब हो गई और वो अपनी टीम को लेकर वहां से वापस चला गया। उसने अपनी टीम को कुछ नहीं बताया, उसे डर था कि उसकी टीम घबरा ना जाए। लेकिन उस रात सिरोही को कुछ समझ नहीं आया कि उसके साथ क्या हुआ। अगले दिन उसके पास एक आदिवासी भागती भागती आई, जो उसके पास आते ही रोने लगी। वो बार बार बोल रही थी, उसकी फौज आ रही है, वो सबको मार देगी। उस औरत ने सिरोही से कहा कि उसने पूरे गांव का सत्यानाश कर दिया। वो पहाड़ बेताल देव का है और वो श्रापित है, एक ऐसा श्राप जो मिटाए नहीं मिटेगा। और सिरोही ने उसका दरवाजा खोलकर सबकी जान मुसीबत में डाल दी है। उसने बताया कि आज से 200 साल पहले इस गांव में एक बेताल नाम का ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर रहता था, जो वहां के लोगों को बहुत मारता पीटता था। वो गांव के पहाड़ में गुफा के अंदर अपनी फौज के साथ रहा करता था। एक रात गांव वालों ने उससे परेशान होकर उसे और उसकी पूरी फौज को उसी गुफा में घुसकर मार डाला। लेकिन उस गांव में एक औरत थी जो काला जादू जानती थी, जिसने बेताल पर काला जादू करके उसमें और उसके सभी सोल्जर्स में जान भर दी। वो सब जिंदा तो थे, लेकिन बस एक जिंदा लाश बनकर रह गए थे, क्योंकि बेताल पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाया तो उसने उस औरत की ही जान ले ली। जब गांव वालों को इस बात का पता चला तो उन्होंने एक तांत्रिक की मदद से बेताल और उसके सोल्जर्स को उस गुफा में कैद कर लिया। उस तांत्रिक ने उन सब गांव वालों से कहा कि बेताल अब एक देवता बन चुका है, जिसे कभी मारा नहीं जा सकता, वो एक दिन वापस जरूर आएगा। उस तांत्रिक के कहने पर उन गांव वालों ने उसकी एक मूर्ति बनवाई और उसकी पूजा करने लगे। वो उसकी मूर्ति को खून पिलाने लगे, जिससे बेताल देव उस गुफा के अंदर हमेशा हमेशा के लिए बस जाए और कभी बाहर ना आए। उन्होंने उस गुफा के बाहर एक बड़ा सा दरवाजा लगाया, जिसे उन्होंने आज तक नहीं खोला था। सिरोही ये सब सुनकर बेहद घबरा गया। उसे समझ आ गया कि पिछली रात उसके साथ क्या हुआ था और उसने वो दरवाजा खोलकर कितनी बड़ी भूल कर दी है। सिरोही ने फैसला किया कि वो खुद उस गुफा में जाकर बेताल देव से लड़ेगा और उसे खत्म करेगा। सिरोही और उसकी टीम पूरी तैयारी के साथ रात में गुफा की तरफ निकल पड़े। जब सिरोही उस गुफा के अंदर घुसा तो उसे कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन वहां एक अजीब सी बू थी। जैसे जैसे सिरोही आगे बढ़ा, उसे एक रोशनी दिखी। वो उस रोशनी की तरफ जाने लगा। वहां उसे बेताल देव की एक बड़ी सी मूर्ति दिखी,
जो बेहद डरावनी थी। उसी मूर्ति के सामने सिरोही की तरफ पीट करके एक आदमी सड़ी हुई लाल यूनिफॉर्म में बैठा हुआ था। तभी जोरों से नगाड़ा बजने लगा, जैसे कोई जंग शुरू होने वाली हो। जैसे जैसे नगाड़ा बजने की आवाज तेज होती गई, वैसे वैसे सिरोही की दिल की धड़कनें भी तेज हो गईं। तभी वो आदमी जो लाल लिबास में बैठा था वो पीछे मुड़ा और जोर जोर से हंसने लगा। सिरोही समझ गया कि यही बेताल है। बेताल ने अपना हाथ ऊपर किया और हमला करने का इशारा किया। सिरोही ने पीछे मुड़कर देखा तो बेताल की मरी हुई फौज के सैकड़ों सोल्जर्स उसकी और उसकी टीम की तरफ आ रहे थे। सिरोही अपनी गन से उन पर फायरिंग करने लगा, लेकिन फिर भी वो लोग उसकी तरफ आते जा रहे थे। इससे पहले कि सिरोही और कुछ कर पाता, एक सोल्जर ने अपना बड़ा सा मुंह खोला और सिरोही की गर्दन पर वार किया। तभी सिरोही जोर से चिल्लाया और उसकी नींद खुल गई। वो जो भी देख रहा था और महसूस कर रहा था वो सब सिर्फ एक सपना था। सिरोही डर के मारे कांप रहा था और बुरी तरह से हांफ रहा था, क्योंकि आज सच में वो बेताल देव से लड़ने जाने वाला था।